हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी बिट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, और इसके साथ ही इसमें हम ये पता करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी बिट का सिलेबस क्या है और हमें कैसे तैयारी करनी है। यदि दोस्तों आपको अभी भी बुक को लेकर कन्फ्यूजन है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में बुक्स की जो डिटेल है यानी कौन सी बुक आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए महत्वपूर्ण रहेगी तो उसकी जानकारी अगली वीडियो में ज़रूर दे दूंगा। दोस्तों, कोई भी आपको कन्फ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो एग्ज़ाम डेट आई है दोस्तों, 20 अगस्त से प्रस्तावित है। देखते हैं होती है परीक्षाएं या नहीं, लेकिन इससे ये उम्मीद जरूर जग गई कि परीक्षाएं बड़ी जल्दी होने वाली हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है वो क्या है और उसको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल PDF है जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर समझेंगे कि इसका सिलेबस कैसा क्या रहने वाला है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं जो इसका सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्नों की संख्या आपकी 100 रहेगी, ठीक है, और अवधि जो रहेगी वो परीक्षा की वो 2 घंटे की रहेगी, और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी टोटल पूर्णांक भी 100 नंबर का रहेगा। भारतीय इतिहास से आप देख सकते हैं दोस्तों, 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं सिंधु घाटी वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएँ पूछी जाएंगी, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल, इतनी चीज़ें आपको भारतीय इतिहास में पढ़ने या आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके बाद 5 नंबर के अंतर्गत ही जो भारतीय इतिहास है उसी के अंतर्गत यहाँ पे आप देख सकते हैं सल्तनत काल, ठीक है, जो आपका दिल्ली सल्तनत का काल चलता है, ठीक है, उसको आपको याद करना है, ठीक है, उसका सिलेबस भी है। मुगल साम्राज्य आपको याद करना है, ठीक है, इसके बाद मराठा का भी आपको याद करना है, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि हुआ था उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में भी आपको पढ़ना है। इतनी चीज़ आपके दोस्तों इतिहास से आएगी। इसके बाद यदि हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे भी आप देख सकते हैं 5 नंबर का पूछा जाएगा। दोस्तों, यदि आपके पास ये PDF नहीं है तो कृपया करके इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लें और इसके अनुसार ही अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि दोस्तों इतनी अच्छी तरह से सिलेबस मुझे नहीं लगता किसी एग्जाम में दिया जाता है जो कि टॉपिक वाइज दिया हुआ है, जो कि आपको तैयारी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे आप इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वाधीनता आंदोलन के जो प्रारंभिक वर्ष थे, ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर सदस्य तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है, यानी जो गरम दल के नेता उनके उदय कैसे हुए तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, और उसके बाद विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ना है, जिसको आप जानते हैं कि ये जो एक्ट है 1935, ये लगभग 2/3 भाग आज भी हमारे भारतीय संविधान में एज हिट लिखा हुआ है। दोस्तों, तो इसको भी आपको पढ़ना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ना है, ये भी दोस्तों आपका 5 नंबर के आएगा, ठीक है, वो एक भारतीय इतिहास 5 नंबर के, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद दोस्तों भूगोल जियोग्राफी भी आपकी 5 नंबर की आने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत एवं विश्व के भूगोल से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आएगा, नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। इसके बाद भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना है, मैपिंग, ठीक है, जलवायु और मौसम के बारे में आपको पढ़ना है, टाइम जोन्स के बारे में पढ़ना है, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें दोस्तों, तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक के बीच में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतने पॉइंट आपको पढ़ने हैं। योजना आयोग पढ़ना है और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, हरित क्रांतियों के बारे में पढ़ना है, और दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ना है, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, वर्ष 1991 आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यानी 1991 में जैसे कि आपको पता है कि LPG रिफॉर्म्स हुए थे, उसके कारण
जो आर्थिक सुधार हुए और उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, और वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार के बारे में भी आपको पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर 2014 के पश्चात कृषि सुधार आप देख सकते हैं, जो 3 नए कृषि बिल आए उनको भी दोस्तों यहाँ पर पूछा जाएगा। ढांचागत सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुआ है, और श्रम सुधार के बारे में, जो लेबर बिल भी अपने यहाँ आए हैं दोस्तों उनके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आर्थिक सुधार के बारे में भी पढ़ना है, और GST तो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि 2017 में लागू हुआ था। इसके बाद दोस्तों संविधान पॉलिटी से आपका दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इसमें भारतीय संविधान में आप देख सकते हैं दोस्तों इतने पॉइंट पूछे जाएंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, और आपके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य के संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसके बाद आपको अगले पॉइंट में जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है, और अगले पॉइंट में स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, यहाँ पर प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान पूछा जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे 6 से 8 तक के बीच के ही। इसके बाद दोस्तों प्रारंभिक अंकगणित से भी आपका 5 नंबर के पूछे जाएंगे दोस्तों, इसमें केवल इतने टॉपिक रहेंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव से पूछे जाएंगे, प्रतिशत और साधारण अंकगणितीय समीकरण जो होते हैं, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों सामान्य हिंदी से भी आपके दोस्तों 5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें आपकी इतनी चीजें आएंगी, संधि विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांश के लिए 1 शब्द, लिंग हो गया, और आपके भिन्नार्थक शब्द होंगे, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य जो अशुद्धियां होती हैं, लेखक और रचनाएं भी आपके गद्य और पद्य से पूछी जाएंगी, और इसमें आपका दोस्तों सामान्य अंग्रेजी में 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर दोस्तों अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग से आपका 5 नंबर का आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग जो होती है, संबंध जो रिलेशनशिप्स होती हैं, समूह में भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण तथा प्रभाव जो होते हैं, यानी आपके जो स्टेटमेंट वाले, कोडिंग और डिकोडिंग के, निगमात्मक जो तर्क वाले दोस्तों होते हैं, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन वो भी इसी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों वो 10 नंबर के पूछे जाएंगे, भारतीय और वैश्विक दोनों से, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको करंट अफेयर्स पर विशेष ध्यान देना है जो कि 10 नंबर का पूछे जाने वाला है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस से भी दोस्तों 10 नंबर का आपका क्वेश्चन बनेगा, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आने वाला जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ऐसे आप देखेंगे स्टैटिक चेक लिखते थे, लेकिन यहाँ पर शुद्ध शुद्ध आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छी सहायता मिलने वाली है अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, देश, राजधानी और मुद्राओं के बारे में, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं उनके बारे में, विश्व संगठन जो है, UN और UN की बॉडीज, और विभिन्न संगठन और उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थलों के बारे में आपको पढ़ना है, कला संस्कृति के बारे में, भारत में एवं विश्व के खेल के बारे में, भारतीय अनुसंधान केंद्र के अनुसंधान संगठन जो हैं, जो कि इसरो है, DRDO है, इनके बारे में, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक के बारे में, पुरस्कार और विजेता के बारे में, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से भी आपको पूछा जाएगा, ये भी आपको 10 नंबर का पूछा जाना है। इसके बाद दोस्तों अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, इसमें 2 गद्यांश होंगे जो कि प्रत्येक 5-5 नंबर के होंगे, तो टोटल 10 नंबर का आएगा दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे 10 नंबर का आपकी ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ इसमें आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का रहेगा, ये भी आपका दोस्तों 2 क्वेश्चन इसके बनेंगे। इसके बाद तालिका की व्याख्या से आपके क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें भी 5-5 नंबर की होंगी, ये भी आपका 10 नंबर का टोटल बनेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, पूरा सिलेबस आपको मैंने बता दिया आपका क्या क्या आने वाला है। दोस्तों यदि आपको कोई भी सिलेबस में कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन से एग्जाम्पल के तौर पर करा सकता हूँ, ठीक है, अगली वीडियो में। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों क्रमांक 1 से 9 पर जो अंकित शैक्षणिक विषय हैं उनसे जो भी डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक जो NCERT है द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, ठीक है, NCERT सिलेबस पर आधारित होगा, ठीक है। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ठीक है, वैकल्पिक होगा। प्रत्येक प्रश्न में जो आपकी जो कटौती होगी 1/4 की दोस्तों आपकी यहाँ पर जो है वो आपकी 1/4 की जो कटौती आपकी दी जाएगी, ठीक है, यानी आपका 4 क्वेश्चन यदि गलत होंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।